नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अभियान जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है। ऐसे में अब तक जो जानकारी मिल रही है, पूरे देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, लेकिन अभी भी लोग डर रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए डर रहे हैं। और ख़ासकर कई लोग जो हैं वो कोरोना का वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। बिहार के कई लोगों से जब हमने बातचीत की, उनका कहना है कि हम वैक्सीन लेंगे लेकिन अभी नहीं। तो कब लेंगे? उम्र भी 45 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बात छिपी हुई है कि कोरोना का वैक्सीन क्या सही होगा। ऐसे में डॉक्टर सुभाष चंद्रा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निदेशक हैं, उनसे जब हमने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने बताया है इस टीकाकरण अभियान को लेकर के। उन्होंने साफ साफ कहा है कि टीका जो है वो अमृत के समान है, क्यों इसे लेना चाहिए, ज़रा जानिए उनसे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं, डायरेक्टर हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के। आप ऑर्थोपेडिक भी हैं, MBBS भी हैं। लोग इतने डर क्यों रहे हैं, पहले ये तो बताइए। देखिए, इस कोरोना का वैक्सीन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी लोग इंतज़ार में थे कि कुछ लोग ले ले तो फिर हम लेंगे, जबकि भारत सरकार और सरकार का एक स्पष्ट निर्देश था कि 60 साल से ऊपर वाले लोग लें। फिर उसके बाद था कि कोविड जो हमको मॉर्बिड मरीज हैं, जो लोग हैं उनको दे दिया जाए। उसके बाद सरकार जो है 45 साल से ऊपर वाले को कहा कि आकर के वैक्सीन दें। तो इसमें उन लोगों को इस वैक्सीन के बारे में मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ये वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेगा। ये 100% आपको बचाव नहीं करेगा, लेकिन 70% बचाव आपको ये कर देगा, मोर देन 70%। कुछ जगह पर जो केसेस आए हैं, लोग इसलिए घबरा रहे हैं, हम उनके सवाल लेते हैं कि कई जगह पर उन्होंने देखा है कि जो लोग वैक्सीन ले भी रहे हैं, वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संक्रमित हो जा रहे हैं। तो ऐसे में डर इस बात की कि जब वैक्सीन ले लिया तो भी हम संक्रमित हो गए। देखिए, वो वैक्सीन ले लिए लेकिन उसके बाद मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो वो 30-25% जो एरर इसमें है, जो बचाव नहीं करता है, वो पूरा खुल के ऐसा नहीं करना। इसके बाद भी आदमी को अपना मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और अपना बचाव खुद करना है। हम तो देख रहे हैं, लोग आते हैं और झुंड में हो जाते हैं, उनको लगता है थोड़ी चिंता भी नहीं है, लापरवाही दिखती है। हाँ, लापरवाही। वो लोग खुद, उनको समझना है, उनमें अवेयरनेस इतना। आपके माध्यम से मैं ये और भी बताना चाहता हूँ कि लोग को अपना बचाव खुद करना है। इस हमको अगर अपना बचाव करना, हम खुद सजग नहीं होंगे और हम उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हम अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे साथ थे, उन्होंने बताया है कि वैक्सीन आप लें, ज़रूर लें। जो दो वैक्सीन आई हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दी जा रही हैं, आप ज़रूर लें अगर आप 45 साल से उम्र आपकी अधिक है, जो कि सरकार के द्वारा भी गाइडलाइंस जारी हुई है। लेकिन ऐसे में जो ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि आप मास्क पहनें, और भी कुछ बातें सामने निकल के आती हैं उसमें। हमारे अस्पताल में अब तक 7,000 से ऊपर वैक्सीन दे दिए गया है, दे दिए गया, और हम तो हर एक को आधे घंटे तक फॉलो किए, ऑब्जर्व करते हैं। किसी को उस आधे घंटे में आज पहला डे वन से किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग को बाद में, मैं अपना नंबर भी देता हूँ सबको, कुछ भी हो बताइए, तो कुछ को हल्का फीवर बुखार ऐसा आया, वो पैरासीटामोल, कोई बात नहीं है, पैरासीटामोल वगैरह लोग खाए हैं और एकदम ठीक हो गए। अगर मान लीजिए हम इस वैक्सीन को तो एकदम एक अमृत के तरह है, इसको तो लेना हर लोग को चाहिए कि हम इसको जितना जल्दी से जल्दी ले लें। वो कुछ लोग में तो है ऐसी, वो 45 से कम वाले भी आते हैं, कहते हैं मुझे भी चाहिए, लेकिन अब गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं। और मेरी अपील है सभी लोगों से कि जो लोग 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, अच्छे संख्या में आए। मेरे यहाँ पद्धति भी बहुत अच्छे सुगम रूप से हम चला रहे हैं। आप आएंगे, आपको एक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा, तुरंत हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने 3-3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखा है जिससे आपको कम से कम समय लगे। उसके बाद हमारे सिस्टर्स का 2 टीम बना दिए हैं, तुरंत तुरंत वैक्सीन देती हैं, आधे घंटे बैठाते हैं, तुरंत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो आपको मैसेज दे देता है, वो वेरीफाई कर देता है।
और आधे घंटे बताने के बाद हम एक ऐप उनको बता देते हैं कि इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप के माध्यम आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए तो कुल मिलाकर तैयारियां जो है पूरी हैं, व्यवस्थाएं पूरी हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि हाँ कभी कभार हल्का बुखार आता है जो कि नॉर्मल पैरासिटामोल लेने से वो बुखार उतर जाता है, लेकिन ये वैक्सीन जो है वो अमृत के समान है। आप ज़रूर इस वैक्सीन को लें। हम भी आपसे उम्मीद करेंगे, अपील करेंगे कि जो भी लोग 45 साल से ऊपर के लोग हैं, 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो ज़रूर वैक्सीन लें अपने पास के किसी भी निजी सरकारी अस्पताल से, और इस कोरोना की दूसरी लहर से आप भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएँ, सभी को संरक्षित करें। तो आपने सुना, हमने तस्वीरें भी ली हैं अंदर की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अंदर में जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई हैं। पटना के इस शास्त्री नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सर ने आपको बातचीत करके सुनवाया है आखिर क्यों कोरोना का जो टीका है वो ज़रूरी है, खास करके अभी जैसा सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है 45 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो टीका लगवा सकते हैं। तो देर क्यों कर रहे हैं आप, आइए अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में टीका जो है निःशुल्क है, आप टीका लगवाइए। और जैसे जैसे गाइडलाइंस जो है वो बदलेंगी, यानी कि युवकों के लिए भी, जो नौजवान हैं उनके लिए भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, तो वो लोग भी लेंगे, मैं भी लूँगा, और हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, ये संकल्प हम लोग लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कह भी दिया है, आपने सुना भी है। धन्यवाद।